नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि पूनिया, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट CE 209 का यूनिट 2 ब्रिक्स पार्ट 2। इसमें हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स पे डिस्कशन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में बेसिकली चार प्रोसेस इंक्लूडेड हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। सबसे पहला अपना प्रिपरेशन ऑफ क्ले आता है। इसमें जो मेथड्स इन्वॉल्व्ड हैं, उसमें पहला मेथड है आपका अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग के अंदर जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है, दैट इज अबाउट 200 mm इन डेप्थ, उसको हम रिमूव करते हैं और नीचे की सॉइल को यूज लेते हैं, बिकॉज जो क्ले इन टॉप सॉइल इट इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड थस इट इज रिजेक्टेड। सेकेंड प्रोसेस अपना आता है डिगिंग। द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज स्प्रेड ऑन द लेवल्ड ग्राउंड जस्ट अ लिटिल डीपर देन द जनरल लेवल ऑफ द ग्राउंड। जो हाइट ऑफ द हीप्स बनती है क्ले की, दैट इज अबाउट 600 mm से 1200 mm तक। नेक्स्ट प्रोसेस अपना आता है क्लीनिंग। जो क्ले ऑब्टेंड होती है इन द प्रोसेस ऑफ डिगिंग, इट शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, पेबल्स, वेजिटेबल मैटर्स एक्सेट्रा। अगर ये मटेरियल्स पार्टिकल्स इसमें एक्सेस में होंगे तो क्ले को वॉश और स्क्रीन किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस में जो क्ले है उसको अपन एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज करके रखते हैं फॉर सॉफ्टनिंग और मिलोइंग। द पीरियड ऑफ एक्सपोजर जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फुल सीजन। नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग। द क्ले इज मेड लूज एंड और एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट एट इट्स टॉप। जो ब्लेंडिंग इंडिकेट्स इंटीमेट और हारमोनियस मिक्सिंग। इट इज कैरीड आउट बाय टेकिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ क्ले एवरी टाइम एंड बाय टर्निंग इट अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन। लास्ट इसमें प्रोसेस आता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, वो अपना है टेम्परिंग। टेम्परिंग, इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग द क्ले इज ब्रॉट टू अ प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इज मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। द वॉटर इज रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इज एडेड टू द क्ले एंड द होल मास इज नीडेड। जैसे अपन आटा गूंथते हैं उसी तरीके से जो होल मास है इट इज नीडेड एंड प्रेस्ड अंडर द फीट ऑफ मैन और कैटल। बट अगर अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स ऑन लार्ज स्केल, द टेम्परिंग इज बेसिकली डन बाय अ पग मिल। यहां आप देख सकते हैं डायग्राम ऑफ अ पग मिल। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए कॉनिकल आयरन टब होता है विद कवर एट इट्स टॉप। इट इज फिक्स्ड ऑन अ टिम्बर बेस में फिक्स होता है, विच इज मेड बाय फिक्सिंग टू वुडन प्लैंक्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। द बॉटम ऑफ द टब इज कवर्ड एक्सेप्ट फॉर द होल टू टेक आउट द पग्ड अर्थ। द डायमीटर ऑफ द पग मिल एट द बॉटम इज 800 mm and at the top is 1 meter. In the beginning, a hole for plugged clay is closed and the clay with water is placed in the pug mill from the top. When the vertical shaft is rotated or turned by the pair of bullocks, the clay is thoroughly mixed by the action of horizontal arms and knives and a homogeneous mass is obtained. ये आपका पग मिल है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में, वो है मोल्डिंग। अब मोल्डिंग दो टाइप से हो सकती है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में जहां पे ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड, दैट इज मैन्युअली, ये वहां ड्रॉप किया जाता है जहां मैन पावर चीप होती है एंड इट इज रेडिली अवेलेबल। जो मोल्ड्स होते हैं दे आर द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विच आर ओपन एट टॉप एंड बॉटम। दे मे बी ऑफ वुडन और स्टील मोल्ड्स। अभी दो टाइप के हैंड मोल्डिंग हो सकती है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, इसमें द ग्राउंड को सबसे पहले लेवल किया जाता है एंड फाइन सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट। द मोल्ड इज डिप्ड इन वाटर एंड प्लेस्ड ओवर द ग्राउंड। द लंप्स ऑफ द टेम्पर्ड क्ले इज टेकन एंड इट इज डैश्ड इन द मोल्ड। इसमें अराउंड 750 ब्रिक्स पर डे कैन बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 hours वर्किंग पीरियड। व्हेन सच ब्रिक्स बिकम सफिशियंटली ड्राई दे आर कैरिड एंड दे आर प्लेस्ड इन द ड्राइंग
sheds. जो लोअर फेस होता है ऑफ द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स आर रफ एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस फ्रॉग ऑन सच ब्रिक्स. अ फ्रॉग इज अ बेसिकली इज इट इज अ मार्क ऑफ डेप्थ ऑफ अबाउट 10 mm टू 20 mm विच इज प्लेस्ड ऑन रॉ ब्रिक्स ड्यूरिंग मोल्डिंग. इट सर्व दो पर्पस होते हैं फ्रॉग के. इट इंडिकेट्स द ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड इन ब्रिक वर्क द ब्रिक्स आर लेड विद फ्रॉग अपर मोस्ट. थस वहां पे मोटार भरने की एक जगह मिल जाती है अपन को. एक पैलेट बोर्ड्स. पैलेट बोर्ड्स बेसिकली एक थिन पीस ऑफ वुड होता है जिनके ऊपर ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स बनाई जाती हैं विथ फ्रॉग्स ऑन देयर सरफेस आर मेड बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ पैलेट बोर्ड्स एंड अ वुडन ब्लॉक. टेबल मोल्डेड ब्रिक्स. यहाँ टेबल साइज जो अपनी होती है दैट इज 2 meter into 1 meter. द क्ले मोल्ड वॉटर पॉट स्टॉक बोर्ड स्ट्राइक्स एंड पैलेट बोर्ड दे आर प्लेस्ड ऑन दिस टेबल. द ब्रिक्स आर मोल्डेड ऑन द टेबल एंड सेंट फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. इसमें कॉस्ट इंक्रीज, अपनी जो कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट आता है मशीन मोल्डिंग. द मशीन्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज, प्लास्टिक क्ले मशीन्स एंड ड्राई क्ले मशीन्स. प्लास्टिक क्ले मशीन्स दे आर बेसिकली दे कंटेन अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग ऑफ साइज इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ब्रिक. द पग्ड क्ले इज प्लेस्ड इन द मशीन एंड इट कम्स आउट थ्रू द ओपनिंग. इट इज कट इन टू स्ट्राइप्स बाय वायर्स फिक्स्ड इन द फ्रेम्स. एज द ब्रिक्स आर कट बाय वायर दे आर ऑल्सो नोन एज वायर कट ब्रिक्स. ड्राई क्ले मशीन्स. इन दीज मशीन्स द स्ट्रॉन्ग क्ले इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू पाउडर फॉर्म. A small quantity of water is then added to form a stiff plastic paste. Now this paste is placed in the mold and pressed by the machine to form hard and well-shaped bricks. तो इनको इसीलिए press करके बनी हुई होती है, इसीलिए इनको pressed bricks भी बोलते हैं. Next step अपना आता है drying. Now अगर अपन गीली bricks को burn करेंगे तो they are likely to be cracked and distorted. थस जो डैम ब्रिक्स या मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं दे आर ड्राइड बिफोर दे आर टेकन फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बर्निंग. नाउ ड्राइंग के लिए आर्टिफिशियल ड्राइंग, इसमें टनल्स या फिर हॉट फ्लू गैसेज यूज में होती हैं. द टेम्परेचर इज यूजली लेस देन 1200 degrees Celsius एंड जो प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स टेक्स अबाउट 1 to 3 days डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर मेंटेन्ड इन द ड्रायर. Circulation of air. The bricks in stack should be arranged in such a way that the sufficient air space is left between them. Drying yard. Special drying yard should be prepared. जो period of drying है वो 3 to 10 days होता है. And screens. It should be seen that the bricks are not directly exposed to the wind or sun for drying. Suitable screens लगी हुई होती है उनके. Burning. Now, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स. इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स एंड मेक्स ब्रिक द इसका जो शेप आती है वो उसी की वजह से आती है. अगर ओवरबर्न ब्रिक्स होगी तो वो ब्रिटल हो जाएगी और जो अंडरबर्न ब्रिक्स हैं वो सॉफ्ट रह जाएगी. जो प्रॉपरली बर्न ब्रिक्स होती हैं वही ड्यूरेबल होती हैं. नाउ जो बर्निंग है वो दो उसमें फॉर्म्स में किया कर सकते हैं, या तो क्लैम्प्स टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स या फिर किल्न्स में जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्लैम्प्स आप देख सकते हैं ये ट्रेपेज़ॉइडल शेप के होते हैं. इसमें जो फ्यूल यूज होता है या तो वो काउडंग या फिर ग्रास हो सकती है. इस थिकनेस है 70 cm to 80 cm. इसकी जो टोटल हाइट है वो 3 meter to 4 meter तक की होती है एंड पीरियड ऑफ बर्निंग इसमें 1 to 2 months का होता है. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अपन जो फायर होती है उसको अपन रेगुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वंस इट स्टार्ट्स बर्निंग द ब्रिक्स आर लायबल फॉर अनइवन बर्निंग. नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. बर्निंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली होती है. दे आर चीप एंड इकोनॉमिकल. नो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड. बट डिसएडवांटेजेस में इरेगुलर शेप
ऑफ द ब्रिक्स. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, जैसे कि बात करी थी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट फायर एंड द क्वालिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. किल्न्स, अब दो टाइप के किल्न्स हो सकते हैं, इरेगुलर इंटरमिटेंट किल्न्स. सबसे पहले हम इंटरमिटेंट किल्न्स की बात कर लेते हैं. इंटरमिटेंट किल्न, जो इंटरमिटेंट किल्न होती है, दे आर इंटरमिटेंट इन ऑपरेशन. दैट मीन्स दे आर लोडेड, फिर फायर्ड, कूल्ड एंड देन अनलोडेड. दे मे बी इधर रेक्टेंगुलर शेप और सर्क्यूलर इन प्लान. दे मे बी अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड. दे आर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, इंटरमिटेंट अपड्रॉट किल्न्स एंड इंटरमिटेंट डाउनड्रॉट किल्न्स. इंटरमिटेंट अपड्रॉट किल्न्स, दे आर मेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स विथ थिक आउटसाइड वॉल्स. द वाइड डोर्स आर प्रोवाइडेड एट ईच एंड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ किल्न्स. ये आपका इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट किल्न है. दीज किल्न्स आर रेक्टेंगुलर और सर्क्यूलर शेप. दे आर प्रोवाइडेड विद परमानेंट वॉल्स एंड क्लोज टाइट रूफ. द फ्लोर ऑफ द किल्न हैज ओपनिंग्स विच आर कनेक्टेड टू द कॉमन चिमनी स्टैक थ्रू फ्लूज. नेक्स्ट, पहला था अपना इंटरमिटेंट किल्न्स. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस किल्न्स. कंटिन्यूस किल्न्स आर बेसिकली कंटिन्यूस इन ऑपरेशन. दैट मीन्स जो लोडिंग, फायरिंग, कूलिंग और अनलोडिंग, दे आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. अभी थ्री फॉर्म के होते हैं, बुल्स ट्रेंच किल्न, हॉफमैन्स किल्न एंड टनल किल्न. ये आप देख सकते हैं बुल ट्रेंच किल्न. इट मे बी रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर और ओवल शेप इन प्लान. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेंच एक्सकवेटेड इन द ग्राउंड. इट कैन बी फुली अंडरग्राउंड और पार्शली प्रोजेक्टिंग अबव द ग्राउंड. इसमें जो सेक्शंस आप देख सकते हैं, पहला सेक्शन लोडिंग, सेकेंड फिर एम्प्टी, थर्ड अनलोडिंग, फोर्थ कूलिंग, फिफ्थ इज फॉर बर्निंग एंड सिक्स्थ इज फॉर प्री हीटिंग. ये इसके सेक्शंस चलते हैं. जो बुल स्ट्रेंच किल्न है, इज वर्किंग कंटिन्यूसली एज ऑल ऑपरेशंस लाइक लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग आर कैरिड साइमल्टेनियसली. द टू पेयर्स ऑफ चिमनी एंड टू गैंग्स ऑफ वर्कर्स मे बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस किल्न. Hoffman's kiln. It is constructed overground and it is sometimes also known as flame kiln. Its shape is circular in plan and it is divided into number of compartments or chambers. इसमें permanent roof provide कराई जाती है, इसीलिए ये kiln rainy seasons में भी function कर सकता है. इसका जो chamber, each chamber है वो provide किया जाता है with a main door for loading and unloading of bricks, a communicating doors which will act as flues in open conditions, a radial flue connected with a central chimney and a fuel hole with covers to drop fuel which may be in the form of powdered coal into burning chambers. In this type of kiln, each chamber performs various functions in succession, namely loading, drying, burning, cooling and unloading. 12 chambers हैं इसके अंदर टोटल. तो चैम्बर 1 है, दैट इज फॉर लोडिंग. चैम्बर 2-5 आपके ड्राइंग एंड प्री हीटिंग के लिए. चैम्बर 6-7 बर्निंग. चैम्बर 8-11 कूलिंग. एंड चैम्बर 12 जो है आपका, वो आपका अनलोडिंग के लिए है. अब आप ये देख सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन द बुल्स ट्रेंच एंड द हॉफमैन्स किल्न. इनकी बर्निंग कैपेसिटी, कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ फ्यूल,
ड्राइंग स्पेस, इनिशियल नेचर कॉस्ट, नेचर पॉपुलैरिटी, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स एंड सूटेबिलिटी. नेक्स्ट आपका आता है टनल किल्न. दिस टाइप ऑफ किल्न इज इन द फॉर्म ऑफ टनल विच मे बी स्ट्रेट, सर्क्यूलर और ओवल इन प्लान. इट कंटेन्स अ स्टेशनरी जोन ऑफ फायर. द रॉ ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रॉलीज विच आर देन मूव्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द टनल. दे गेट ड्राइड एंड प्री हीटेड एज दे अप्रोच द जोन ऑफ फायर. इन द जोन ऑफ फायर द ब्रिक्स आर बर्न्ड टू द रिक्वायर्ड डिग्री एंड दे आर देन पुश्ड फॉरवर्ड फॉर कूलिंग. तो ये बात हुई थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स. थैंक यू.